हेलो व्यूवर्स, क्या हालचाल। तो आज डे 8 है कोलकाता में और सुबह की शुरुआत होती है एक ग्लास गर्म पानी और 4 दिन पुराने सड़े मोमोज के साथ। मजाक कर रही हूँ, मोमोज नहीं है, अंजीर है, जिसे सुबह सुबह खाने में मुझे और मौसी को दोनों को मौत आ जाती है, बट मौसा जी के डर से हमें ये खाना पड़ता है। ठीक है, और फिर ये 3 कप चाय के साथ सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और सच बताओ तो आई एम नॉट अ चाय लवर, बट ऐसे साथ मिल जाता है किसी का तो मैं पी लेती हूँ। तो बस इलेक्शन के अपडेट्स देखते देखते सुबह की शुरुआत ऐसे हुई, चाय पिया, फिर मैं ऐसे कमरे में ऐसे लेटी हुई थी। ठीक है, सुबह के 9:30-10 बजे का व्यू है ये। सुबह लेटी हुई थी तो बस ऐसे ही बाहर से कुछ आवाज़ आती है, फिर पता चला कि शिवानी आई है। शिवानी मासी की नेबर है, जो कि लेके आई थी कटोरे में, कुछ दिखाती हूँ बाद में क्या है। अभी तो बस मौसी और वो बातें कर रहे थे, ठीक है, आपस में बातें बातें कर रहे थे, फिर बोल रहे थे कि चलो कहीं घूमने का प्लान बनाते, ये सारी ऐसे बातें हो रही थी। फिर शिवानी लेके आई थी चॉकलेट्स। हाँ, तो ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी को कुछ दो तो फिर खाली कटोरी या कुछ भी वापस नहीं लौटाते, तो बस ये वही था। शिवानी को मासी ने कुछ दिया हुआ था तो बस शिवानी उसको लेके आई थी, चॉकलेट लेके आई थी। तो मैं तो खुश हो गई यार चॉकलेट देख के। और चॉकलेट फिर मैंने सोचा चलो ये बचे हुए चॉकलेट मैं क्या करती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। और आई एम अ पर्सन कि मुझे खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने को चाहिए होता है, तो बस चॉकलेट देख के तो मैं तो खुश हो गई थी। फिर ये सुबह सुबह मौसी कर रही थी पूजा, और मौसी को नहीं पता था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मौसी का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि तू कभी भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, पता ही नहीं चलता। तो ये वो सुबह का व्यू है और मौसी कर रही थी पूजा, और मौसी बोल रही थी तो फिर शुरू हो गई। मैंने बोला नहीं नहीं बहुत अच्छी आ रही हूँ, तो बोलती है अच्छा। तो बस यही सब हम बातें कर रहे थे। और फिर क्या हुआ उसके बाद, होता है हमारा सुबह के खाने का टाइम है, नहीं यार एक टाइम ही खाते हैं हम, 12-12 बजे। तो पंचायत सीरीज लगा लिया और मौसी ने बनाई थी चने की, ये रेड वाले चने चना है उसकी सब्ज़ी बनाई थी। अच्छा हाँ, ये पानी का मैं बताती हूँ, ये जो आप सब्ज़ी देख रहे हो ना जिसमें इतना ऐसे ग्रेवी बहुत ज़्यादा है पानी वाला, तो मेरी मौसी को ऐसी ग्रेवी वाले पानी वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है। ठीक है, तो मौसी हमेशा कभी भी ऐसी सब्ज़ी बनाएगी तो उसमें ढेर सारे पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, और मौसी को ऐसे ही पसंद है, तो फिर हमें भी पसंद है, मौसी को पसंद है तो हमें भी पसंद है। खाना वाना खा लिया था, उसके बाद मुझे याद आया कि फ्रिज में तो शिवानी ने चॉकलेट दिया है, तो चलो चॉकलेट इन्जॉय करते हैं अपना। क्योंकि यार खाना खाने के बाद ना, या कुछ भी खाने के बाद मुझे एंड में थोड़ा मीठा चाहिए होता है खाने के लिए। तो बस चॉकलेट खा रही थी और पंचायत सीरीज़ देख रही थी, और रिपीट में ये चौथी बार पंचायत सीरीज़ चल रहा था। फिर मौसी लेके आ गई आम, मैं कंफ्यूज होगी कि मैं आम खाऊं या चॉकलेट खाऊं, तो मौसी ने बोला शांति से आ जा, आम खा ले पहले, चॉकलेट बाद में खाना। ठीक है, तो सीजनली आम है यार, ऑब्वियसली टेस्टी था, बहुत टेस्टी आम था, जितना टेस्टी दिख रहा है उतना टेस्टी आम था। उसके बाद ना शाम हो जाती है, शाम के कुछ 6 बजे का व्यू है ये। मैं और मौसी आगे थे पास ही में जो रंगोली मॉल है वहाँ पे। देखो मॉल अगर पास में हो ना तो बहुत ही फायदे होते हो, जब मन तब उठ के चले जाओ शॉपिंग करने के लिए। तो मौसी आ गई थी, मौसी ने बोला सभी अच्छे लग रहे हैं, मन कर रहा है ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। ठीक है, फिर मैंने बोला ले लो, पैसे तो आप ही को देने हैं। फिर मौसी ने अपने लिए, मेरे लिए कुछ लिया। उसके बाद से ये हमने शॉपिंग कर लिया था, और शॉपिंग करने के बाद हम जा रहे थे वापस से घर। उसके बाद जैसे कि हमने शॉपिंग किया था तो बिना थके हम आ गए थे, और घर पे एंट्री की तो मौसा जी का रिएक्शन कुछ ऐसा था, फिर तुम लोग शॉपिंग करके आ गए। फिर उसके बाद क्या होती है, हो जाती है खाने की तैयारी शुरू। तो आज खाने में बन रहा था चिली पनीर। ठीक है, तो ये कुछ रेसिपीज शेयर करूँ क्या, मतलब अगर रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। तो बस ये पनीर फ्राई हो रहा था, और चिली पनीर में यार ये मुझे ना रेसिपी बहुत इजी लगती है और बनाना भी बहुत इजी होता है। तो जितना ये अपना चिली पनीर अभी बन के रेडी है, और ये जितना अच्छा दिख रहा है ना उतना ही चुम्मा वाला ये था चिली पनीर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मेरी मौसी बहुत ज़्यादा टेस्टी चिली पनीर बनाती है। फिर ये सब करते करते 10 बज गया था, फिर मासी की नेबर का कॉल आया, मासी की नेबर जो उनकी फ्रेंड है उनका कॉल आया कि आ जाओ आज आज सब साथ में बैठ के डिनर करते हैं। तो आ गए थे हम मौसी के फ्रेंड के घर पे। पहले तो मैं हेजिटेट कर रही थी ब्लॉगिंग करने के लिए, बट उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं कर लो, तो इसीलिए मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई।
ठीक है, क्योंकि यार फिर उसके बाद उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो, आपको ब्लॉगिंग करना है। तो फिर हम सब ने साथ में बैठ के खाना खाया और बहुत मज़ा आया ऐसे सबके साथ में बैठ के खाना खाया और सब बातें बातें कर रहे थे। तो ये मौसी मौसा और उनके फ्रेंड, और ये शीनू और ये मासी के फ्रेंड है, ठीक है, और ये भी बहुत स्वीट है, इनसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ जब मैं पिछली बार गई थी। तो बस हम अभी खाना खा रहे थे सब साथ में बैठ के और बातें बातें कर रहे थे। उसके बाद सब यहाँ पे हमने बैठ के बहुत देर तक बातें बातें की थी, गाने वाने सुने थे, और फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर पे वापस, ठीक है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, एंड थैंक यू सो मच जो मेरे वीडियोस इतने एंड तक देखते हैं और अपना टाइम देखते हैं। तो ऐसे ही साथ बने रहना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।